देहरादून जिले में रफ्तार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के फुलैत गांव का है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते उसमें सवार यात्री घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया। बता दें कि गाड़ी में सवार सभी यात्री सिमियारी गांव के रहने वाले हैं। दुर्घटना के समय सभी यात्री सरकुंडा मंदिर जा रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल यात्रियों से मिले। इस दौरान उन्होंने घायलों के इलाज के लिए चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज गुरैत के पास गाड़ी मिली है, जिसमें काफी लोग घायल हुए। तीन लोगों की हालत गंभीर है। मैं और हमारे एरियन में हम लोग यहाँ पर पहुंचे, मैंने निश्चित किया है कि उनका तुरंत इलाज कराया जाए और शासन द्वारा जो उन्होंने राशि है वो तुरंत दे दिया जाए, ताकि वो आगे काम आ सके। क्योंकि यहाँ पर हुआ है कुछ लोगों को, हमने करीब तीन चार लोगों को बड़े से शिफ्ट किया है, और जो सीरियस पेशेंट है उनको इलाज यहाँ पर चल रहा है और उनको आई सी यू में।